I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 don't shake. What am I gonna call you? रुक क्यों गया? पूरी गाली दे। शर्म तो नहीं आती तुझे? 12-12 बजे तक पजामे में हाथ डाल के सोता रहता तू? अरे पूरी दुनिया मेरे नाम पे थू-थू कर रही है कि शर्मा कंस्ट्रक्शन वालों का लड़का निकम्मा है, बीटेक करके घर बैठा हुआ। पापा, आई रियली थिंक आपको अपना सर्कल सुधारने की जरूरत है। तो तू मत सुधरियो बस। अबे 24 साल का सांड हो गया है, अबे कोई नौकरी कर ले, कोई काम धंधा कर ले, दो पैसे कमा के ला। लाखों रुपए कमाते हो फिर भी नजर बच्चे के दो पैसे पे रख। तू मेरे ना थप्पड़ मत खा लियो। किसका फोन है? कंपनी में रिज्यूमे डाला था ना, उसकी एचआर। उठा 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 उठा। हेलो। हाय डॉक्टर। एक तो हर जगह नर्वस हो जाता है। पकड़। Hi ma'am, how are you? Not well, actually. I feel a bit sick today. Can you please come over for a quick checkup? Ma'am, whoa. I'll pay you. However you want. क्या कह रही है? बेका पूछ रही है। अरे उसको बोल नौकरी पक्की कर, 2-4 हज़ार रुपए कम देगी चलेगा। या मैम श्योर, बट व्हाट अबाउट द हायर अथॉरिटीज? मम्मी पापा अभी अभी हरिद्वार के लिए निकले हैं और घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं है? कहाँ कोई नहीं है? कंपनी में टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोई नहीं है, वो डाउनसाइजिंग कर दी थी ना कोरोना में, तो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अरे ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, इसको हाथ से जाने मत दो। बिल्कुल सही बात है मैम, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से जाने नहीं दे सकते। आई विल बी देयर इन 15 मिनट्स। आई विल बी वेटिंग। ओके ओके मैम। तू जल्दी तैयार होकर निकल जा फटाफट। पापा आशीर्वाद दो, आज अगर सब कुछ सही रहा तो आपका बेटा ब्लो जॉब, मेरा मतलब जॉब लेके ही आएगा। बड़ा हो गया है मेरा बेटा। The number you are calling is either switched off. Fuck यार, कहाँ गांड मरा रहा है ये? बेटा तीसरा लड़का है ये, जिसे तू हमें मिलवा रही है, और मुझे पता है यहाँ पे तेरा ही कटेगा। मम्मी प्लीज, आप ना उससे मिलने से पहले उसे जज मत करो, अच्छा लड़का है वो। इससे पहले वाले भी अच्छे थे बेटा, वो पहले वाले का क्या था? हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। तो बाद में पता चला कसौल से कांचा ला के दिल्ली में बेचा करता था, चर्सी कहीं का। और वो दूसरा वाला, हाँ आर्टिस्ट हूँ आंटी जी, हाथों का हुनर है। और अभी मेरी कमर चुरा के भाग गया। अबे वो दवाइयों का स्टॉक सफदरजंग में जाना है, अपोलो में नहीं। ये तो अच्छा तेरे पापा के मेडिकल स्टोर है, बीपी और हाइपरटेंशन की दवाइयाँ सस्ते में मिल जाती हैं, वरना जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना बेटा, ये घर बिकवा देती तू। पहले चौधरी मौसा जी के कब्जे से तो छुड़वा लो। अच्छा, अपने मौसा की गुंडागर्दी दिखती है तुझे, उसकी बेटी के गुण नहीं दिखते? अरे 1% भी गुण है तुझमें उसके जितने। कहाँ पेन है आपको एग्जैक्टली? यहाँ। I was so scared. मम्मी पापा बाहर गए हैं और ऊपर मौसा मौसी जी से हमारी बनती नहीं है। I was all alone. और ऊपर से body pain.
डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, आपका सारा दर्द ऐसे ठीक कर दूंगा। मेरे पास एक स्पेशल पेन किलर है, यहाँ दर्द है ना, ट्राई करते हैं। यार कम से कम रोल प्ले के टाइम तो अपने बाप की बंदूक के छुपा दिया कर, तुझे पता है ना मेरी कितनी भक्ति है तेरे बाप से। तू बाप को छोड़ ना, बेटे पे कंसंट्रेट कर। ये भी सही है। मालिक मैम साहब गए हरिद्वार, अब खोलूंगा प्रियंका जी के दिल के द्वार। बेटा राजू, हीरो नंबर वन बनने के लिए तैयार हो जा। देखे तो सही क्या कर रही है मेरी रानी। मेरे एटीएम में किसी और ने कार्ड डाल दिया, पर बेटा मैं तुझे कैश निकालने नहीं दूंगा। हेलो चौधरी डॉन। अरे वो सब छोड़ो, घर में अकेली लड़की तिजोरी की तरह होती है, और इस समय कोई तुम्हारी तिजोरी खोल रहा है, सब कुछ लूट जाए उससे पहले ही आके बचा लो। अबे तुझे उससे क्या लेना देना, बेटी चोद जो बता रहा हूँ उस पे ध्यान दे, जल्दी घर चला जा अपने। राजू। हाँ जी मैम साहब। नीचे खड़े होके क्या कर रहा है? सब्जी लिया है ना? हाँ हाँ लिया है। ये नीचे रख दे और मार्केट से जाकर चाय पत्ती लेकर आ, मेहमान आने वाले हैं, अगर आए तो। आधा घंटा और ले ले, मिला ले दो चार बार और फोन, वरना फिर तेरे पापा ने मिश्रा जी के बेटे से तो बात कर ही रखी है। मैं नहीं कर रही उस चौमू से शादी। फक डैडी। या डैडी गोना फक यू। पापा की कार। ओ प्रियंका, ओए ओए ये कहाँ से? प्रियंका, ओ प्रियंका, ओए मैं कभी चेंज करने वाली तो निकल यहाँ से। अरे मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे नहीं पता, कहीं भी उन्होंने हमें ऐसे देख लिया ना तो हम दोनों मर जाएंगे। वो गेट, अगर ये बात सच्ची थी ना तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रियंका, प्रियंका आ गए वो लोग, मैं कहाँ जाऊँ? प्रियंका तुम गई नहीं अभी तक, भागो यहाँ से। अरे प्रियंका पर वो बाहर ही है। डैडी, मम्मी, आप इतने जिसकी हिम्मत हुई चौधरी की तिजोरी खोलने की, बुलाओ उसे। कोई नहीं तो झूठ मत बोल। बिस्तर की सिलवटें देख के पहचान लेता हूं कि करवट लेने वाले कितने थे। कहां छुपा रखा तूने उसे? नहीं मालिक, ऐसा नट मत कर देना। इतनी जवान लड़की पे हाथ नहीं उठाते। आप शांत हो जाइए, हम ऊपर से आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाते हैं। पास करा दू, फोन घुमा दू, तेरी प्रिंसिपल भी बेबी योयो की फैन है। कैंदी योयो हनी सिंगर। चोर मालिक, चोर चोर मालिक, चोर 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 है मालिक, भाग रहा है। चोर चोर नहीं होगी, झूठ बोल रहा है अंगा, मैं चोर नहीं हूँ। इस सूटी वाला लड़का तो नहीं है? वो कहते हैं इसके डॉक्टर फंसाने की, मेरा मतलब एक बार कंफर्म तो कर लो। तुम वो बॉयफ्रेंड हो? हाँ अंकल बॉयफ्रेंड हूँ, मैं छोड़ नहीं अंकल, अरे साले छोड़। हाँ डॉक्टर ढूंढा अपनी सिटी में। सॉरी अंकल, मैं छोड़ अंकल, जाने दो। सॉरी मतलब शादी नहीं करोगे? कर लूंगा अंकल, शादी कर लूंगा, प्लीज प्लीज अंकल मुझे मारना मत। अरे दमाजी राजू पीछे कर। मालिक लेके सीढ़ी आ जाओ। तूने लॉन की घास काटी? अरे दमाजी आइए आइए, अरे आइए ना। दो मिनट बस, अरे चल रहे ना यार, दो मिनट चल रहे ना। शेडी ठीक है।
थैंक यू गोटी। लीजिए ना बेटा, लीजिए। अरे अरे चटनी भी तो ले। माँ वो लड़का, अरे लड़का हमें बहुत पसंद है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तूने डॉक्टर बुला लिया। मैं और तेरे पापा ना बहुत ही खुश हैं। मम्मी मैं कैसे 2 मिनट अकेले में बात कर लूँ? हाँ हाँ बेटा बात कर ले, तो पूरी जिंदगी बात कर ले, कर ले बात। रोल प्ले बनती तो ऐसे जैसे इससे शरीफ औरत नहीं है इस धरती पे। अच्छा लॉकडाउन से पहले ये अपने किसी दोस्त के साथ शिरडी गई थी, वो तू था? कहाँ गए थे एग्जैक्टली? शिरडी के ही मतलब पास में थोड़ा सा राइट लेके गोवा। गोवा कैसे मैनेज कर लेते हो तुम लोग? या तो सैलरी आती है खत्म हो जाती है। अरे तभी तो ट्रस्टेड मेंबर हूँ बिनोमो क्लब का, बहुत ही ऑनेस्ट और सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहीं से पूरे करता हूँ ये एक्स्ट्रा शौक। क्या? अरे एक आइडिया, आप मेरे यहाँ से निकलने में हेल्प कर दो, मैं आपको बिनोमो के बारे में सब कुछ बता देता हूँ, आप भी ट्रेडिंग करके पैसे कमाना, है ना? ये ट्रेडिंग व्रेडिंग ना मेरे बस की बात नहीं है और बहुत रिस्की भी होता है ये सब। और इसमें ना अभी एक गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है हेडलाइनर के नाम पे, जहाँ पे आप जीत सकते हो मैकबुक, आईपॉड प्रो, आईफोन 11 प्रो। ये लो। आई नो थैंक यू बोलने का मन कर रहा होगा, और कोई बात, आपने मेरी हेल्प करी मैंने आपकी। ठीक है दीदी आप अंदर संभाल लेना, मैं निकलता हूँ। ओ हीरो इस सब के लिए थैंक यू, पर अब एक बात सुन, जो नाटक तू नीचे कर रहा था ना ये सब तुझे मेरे घर वालों के आगे करना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। ओ दीदी पागल हो गई क्या आप? फ्यूज फट गए आपके दिमाग के? मैं कैसे करूंगा नाटक वाटक, आप अपना देख लो, मैं खुद निकल जाऊंगा यहाँ से। चल कोई ना, जब तेरे और प्रियंका के बारे में मौसा जी को पता लगेगा तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें, और उनका गुस्सा तो तू जानता ही है। धमकी दे रही हो? चल आओ फिर फटाफट जल्दी आओ। तेरी शादी किसी खानदानी क्रिमिनल के साथ ही होगी, 3 पीढ़ियों से हम ये 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। इसे बेच के ई रिक्शा खरीद ले रैंचो, एक फोन तो चार्ज हुआ नहीं इसमें। किसी वाइट कॉलर वाले के साथ तेरे को मुंह काला नहीं करने दूंगा। सिर्फ 5 मिनट है तेरे पास, उसे यहां बुला, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। तो बेटा कौन से कॉलेज से MBBS किया है आपने? मैंने वो एम्स। आप एम्स के डॉक्टर हो? अरे वाह बेटा, इनके भी ना एम्स के पास मेडिकल स्टोर्स हैं। और बेटा स्पेशलिटी किस में है आपकी? मेरी किस में है? हार्ट कार्डियो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा बेटा ये बाईपास के बाद कैमिरोल सिरप सही रहता है या फिर कार्डियोक्सिन कैप्सूल से भी काम चल जाता है? दोनों ही ठीक है अपनी जगह, पर अगर कैप्सूल को सिरप में घोल के पियोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। बहुत मजा किया हो दमाजी। बिल्कुल बिल्कुल। इन बहन चोदों को अभी पता नहीं है कि राजू चीज क्या है। हेलो अम्मा जी प्रणाम। बस अम्मा। अरे तिवारी जी 2 करोड़ वाले नहीं 5 करोड़ वाले टेंडर की फाइल लेके आई है, सबके सब काम चोर हैं साले। हाँ अम्मा वो ऑफिस में है ना तो थोड़ा काम था, रात को बात करते हैं आपसे। तरक्की तो हम करेंगे अम्मा,
बस एक बार प्रियंका से हमारी शादी हो जाए फिर ये घर भी हमारा और ये शहर भी हमारा। अरे ये कुत्ता कहाँ से घुस गया बे? ए, आ, चल ससुर जी ने कोठी तो गांड फाड़ बना रही है बहन चो दहेज मोटा मिलेगा बहन चो। अरे दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए कोई है क्या बहन चो? अबो गंजे चल ससुर जी को बुला के ला बहन चो। चौधरी डॉन इस घर का मालिक। ओ ससुर जी तो तू ही है वो पिल्ला जिसने चौधरी की लड़की पर नजर डाली। पिल्ले कुत्तों के होते हैं शेरों की नस्ल होती है बहन चो। डर नहीं लगता तुझे मौत? अरे बहन चो रहने दो मस्ती मस्ती में हड्डी फट्टी चटक जाएगी बहन चो। बंदूक मेरे हाथ में है और धमकी तू दे रहा है। उस्मान का कट्टा नकली माल। उस्मान को कैसे जानता तू? अरे भैंचो अपना चेला है और एक खिलौने चलाना छोड़ दो भैंचो किसी दिन कोई खुले में बचा जाएगा। ये रखा करो बरेटा 92 एकदम ओरिजिनल। ए पैन नीचे रखो पता सफाई में कितनी दिक्कत होती है करी है कभी पता नहीं किसी नाथ को फालतू लोगों की शक्ल देखनी पड़ रही है यार। मालिक कौन है ये कहां से है? अबे ओ चूजे मयूर विहार से नागले तक किसी भी थाने में पूछ लियो सब बता देंगे। सैनिक दिल्ली से है बेंचो निकल। टट्टी चाय बेंचो। बेटा एक बार देख लो ना किसके नाना की रिपोर्ट्स हैं। मम्मी छोड़ो ना भी इन सब की क्या जरूरत है। अरे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो बेटा देखो ऐसी कोई डरने वाली बात तो नहीं है नॉर्मल है सब मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्या टेंशन की कोई बात नहीं बेटा क्या बात कर दी एक सेकंड। थैंक यू बेटा थैंक यू। हेलो बाबूजी झोला छाप डॉक्टर था जिसने आपके फेफड़ों में कैंसर बताया कोई कैंसर वैंसर नहीं आपको। हाँ दवा जी कह रहे हैं पी लो सिगरेट आपको तलब लग रही होगी ना। मिस हो गया था एक पॉइंट। बाबूजी सिगरेट मत पीना मैं बाद में कॉल करती हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे ही तमाम की तलाश थी। वो सब तो ठीक है पर ये चिरांत कौन है बेंचो? हे! पिताजी हैं वो हमारे। सॉरी माय बैड बेंचो। 90 के दशक के बहुत बड़े स्मगलर और ये दादाजी 60 के दशक के बहुत बड़े जेब का मतलब खूब काला पैसा छापा है बेंचो। ये सारा साम्राज्य इन्हीं का आशीर्वाद। चलो फिर दहेज की बात ही कर ही लेते हैं बेंचो। हाँ बोलो 50 पेटी हो जाएगा। अरे पूरी बात तो सुन लो बेंचो 50 पेटी विदाई पे और 50 पेटी आधे घंटे में क्यों आप क्या बाप दादा का साम्राज्य चौथड़ों में घुस गया बेंचो? सुना है तेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है अगर तू नहीं चाहता कि चौधरी डॉन की नजर उस पे पड़े तो अभी आधे घंटे के अंदर भी 50 पेटी लेके आ एड्रेस अभी पाओ। अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी माँ। नहीं बेटा ऐसे मत कर अपने पापा की बात मान ले।
तुझे अपने पापा के गुस्से का तो पता है। जब सकता है हो ही गया तो मेरा माल भी बाहर बुला लो बहनचो। लो आ गए। मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, शायद हार्ट अटैक है, प्लीज जल्दी चलो। उर्मिला उर्मिला, मैं तो कद्दू लेने आया था, ये गाजर कहाँ से आ गए बहनचो? उर्मिला उर्मिला क्या हुआ तुम्हें? उर्मिला जा बेटा ऊपर से अपने मौसा को बुला के लाओ। डैडी वो केमिस्ट है, आप इसे रॉबिन को बुलाओ। अरे उन्हें सब पता होता है। तुम रुको मैं बुला के लाता हूँ। ताडू साहब ताडू साहब ताडू साहब ताडू साहब ताडू साहब, उर्मिला को हार्ट अटैक आया, फिर दवाई लेकर आओ जल्दी। ऐसा नहीं होता है डैडी, प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाओ। अरे जीजा जी तो डॉक्टर है ना हमारे पास, वो भी आज का। क्या किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? शुरू करो ना यार। उर्मिला कहीं इनकी तबीयत मुझे ज्यादा खराब होती हुई लग रही है, अब प्लीज जल्दी किसी डॉक्टर को बुला लो। अरे दवान जी आप हो तो यहाँ। मेरा क्या सीन था ना कि मैंने अभी, ओ डॉक्टर जो करना है जल्दी कर, अगर मेरी उर्मिला को कुछ हो गया ना तो छे की छे इसी में काट दूंगा। ये कैसे बात करते हैं यार, ये कोई फिरौती की रकम थोड़ी लेनी है यार, सर्जरी करनी है, गन पॉइंट पे कैसे कर सकता है कोई? आप तो पढ़े लिखे हो, समझाओ ना इन्हें। अरे साडू साहब, अरे दमाजी को अपना काम करने दीजिए ना, चलिए आप यहाँ से बाहर से चलिए। लेकिन उर्मिला, अरे उर्मिला ठीक हो जाएगी, चलिए चलिए आप सब लोग भी चलिए बाहर। अरे चलिए सब लोग चलिए। उर्मिला पागल हो गई हूँ, मुझे गोली मार के फांसी चढ़ जाएंगे वो, एक ही सेंटेंस में विधवा और अनाथ दोनों हो जाओगी। क्या करें, मम्मी कितने पेन में है। मुझे ना इतना ज्यादा कुछ खास मेजर लग नहीं रहा है, तुम टेंशन मत लो, मेरा एक फेसबुक का दोस्त है डॉक्टर है, मैं उससे बात करके सब सॉर्ट कर दूंगा, तुम बस बाहर संभाल लो। अरे बहुत काम की चीज है फेसबुक, तुम बाहर संभाल लो। मैं करता हूं ना। हंड्रेड % सक्सेसफुल सर्जरी का रिकॉर्ड है दामाद जी का। कुछ भी कहो, ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को ही मिलते हैं। किस्मत तो हमारे भी काफी सही है। सैंडी हिंदी माफिया में जाना माना नाम है। इज्जत भी अलग ही चीज है, किसी किसी को ही मिलती है। किसी किसी का ही होता है। क्या तू डेंटिस्ट है? तू भोसड़ी के इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर विपुल गोयल क्यों लिख रखा है फेसबुक पे? हट साले। माँ से बड़ी भी कोई चीज नहीं होती, पर आप चिंता मत करो, डॉक्टर साहब बहुत होनहार हैं। क्या कुछ ठंडा या गरम खाने से आपकी गांठ फट जाती है? चोद ये ऐड जी ले आइए ये टूथपेस्ट। मदर चोदो आज ही कमा लेना सारा पैसा। कहाँ रह गया था और तेरा फोन क्यों ऑफ जा रहा था? अरे बैटरी खत्म हो गई थी बेंचो, और अब ये बकचोदिया छोड़, जल्दी से स्मूथ दे दे बेंचो। हाँ हाँ बंटी, उसका बड़ा भाई डॉक्टर है, है? बातचीत में तू आंटी, माँ ने हमें जन्म दिया है, उससे बड़ा भी कौन ही होगा? डॉक्टर साहब बचा लेंगे, मैम साहब हमें पूरा भरोसा है, बचा लेंगे बचा लेंगे। आंटी उठो, आंटी उठो, आप नहीं मर सकते आंटी, आंटी आप नहीं मर सकते आंटी, चौधरी मुझे मार देगा आंटी।
हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? डैडी वो क्या हुआ बेटा, बोलो ना। डैडी वो शिवम, वो शिवम। आंटी मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं उठती। उड़ान उड़ान उड़ान, जय बजरंगबली, शक्ति दो, उड़ान। गैस का दम Thank you so much. इस बार तुझे रंगे हाथों पकड़वाऊंगा बेटा। अगर आज तुम्हारी बहन को कुछ हो जाता ना तो मैं तो बिल्कुल अकेला ही हो जाता। शांति, मेरे होते हुए मैं कभी आपको अकेला नहीं होने देती। जीजू, शांति, जीजू, हेलो चौधरी डॉन, तेरे घर की बालकनी में तेरी बेटी किसी और को भिगा रही है, सब गीला हो जाए उससे पहले जाके रंगे हाथ पकड़ ले। अबे साले तू है कौन? बेटी चोद, जो बता रहा हूँ वो मत सुनियो, यहाँ तू मेरे से सवाल जवाब करता रह जाएगा और वहाँ कोई तेरा पूरा खानदान चोद जाएगा। एक बार अगर तू मेरे हाथ में आ गया ना तो भोसड़ी के इतना मारूंगा ना गंजे, कुत्ता बना दूंगा कुत्ता। ढूंढ तो तू मुझे साथ जन्म में नहीं पाएगा। एक मिनट, तेरी भलाई इसी में है, जाके अपनी बेटी को संभाल। सुअर मालिक, मारो मुझे। इज्जत, सुअर हूँ मैं, सुअर, मैं भोसड़ी का हूँ, मैं माधव चौधरी हूँ, मैं भोसड़ी का हूँ, मैं माधव चौधरी हूँ, मैं हूँ भोसड़ी का, मैं हूँ। मालिक मालिक बहुत गान फट रही, उतार दो मालिक, मालिक गान फट रही, उतार दो मालिक, उतार दो। हेलो अम्मा, अरे 5 करोड़ वाले नहीं 10 करोड़ वाले फाइल ने कहा, ये कितनी बार बोले तुमसे हम। अम्मा अरे बहुत बड़ी मीटिंग में घड़े, बाद में बात करेंगे, ठीक है अम्मा। अरे उतार दो मालिक, अरे उतार दो, सुअर तू नहीं है गंजा। दीदी आप आराम करो ना, काम मैं कर लूंगी, बैठो मैं लेकर आती हूँ। क्या कर रही हो शांति? अरे ये शनि दोष के लिए है। पहले अपनी बेटी के दोष तो सुधार लो। स्वीटी, तमाची, उधर जाके मार। तमाची, आज दीदी को मौत की गोद में देखकर मैं तो बहुत ही डर गई थी। जिंदगी का क्या भरोसा कब खत्म हो जाए, तो तुम दोनों ना आराम, मेरे जीते जी सगाई कर लो। भी बोलो यार, भगवान ने ये साली भी बड़ी सही चीज बनाई है। सही बात है।
बेटी लगे हाथ तुम वो सैंडी भी कर ही लो, अब टाइम का क्या पता कब बदल जाए। आओ बेटा। अब ये कौन मादर चोद आ गया? पहनाओ ना बेटा। हाँ, पहनाओ ना बच्चे, पहनाओ ना बच्चे, पहनाओ पहनाओ। पहना देते हैं, पहनाने में क्या हो गया। अच्छे अंकल, आप वो बाहर शांति आंटी को गले लगा के क्या समझा रहे थे? मैं तो बस गले लगा करके रो रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। झूठ बोल रहे हैं, फुल चिपटम चिपटी चल रही थी। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये चौधरी का नाम सुन के तेरा मुंह लाल क्यों हो जाता है। अच्छा अंकल आंटी, आप लोग अपना ये रंडी रूम, मेरे मतलब ये दिक्कतें सारी सॉल्व कर लीजिए, हम सगाई कभी और कर लेंगे टाइम निकाल के, ठीक है जी? मैं मेरा दही जाएगा तो व्हाट्सएप मार दियो भाई। चौधरी डॉन का घर यही है क्या जी? वो मैं रोटी के 50 लाख रुपए लेकर। तू तो कंपनी में इंटरव्यू देने गया था ना भाई साहब। सुल्फा चाट क्या हो गया, दमाजी इंट्री क्यों देंगे भला? इतने बड़े डॉक्टर हैं वो। ये डॉक्टर, अबे बीटेक तो पैसे देके पास करवाइए इसकी। बाबा हर जगह बेइज्जती मत करा करो यार। ओह माय गॉड, इतना बड़ा धोखा। धोखा? हमारी मासूम बच्ची के साथ धोखा? मासूम? ये इस सैंडी के साथ सेट है आपकी मासूम बच्ची? जैसी माँ वैसी बेटी। मुझे मम्मी को तो कुछ मत बोल देना, ठीक है? आपको पता है खुद की लड़की झूठे मक्कार के साथ सेट है। और मौसा जी, आपको पता नहीं है आपके हरिद्वार जाने के बाद क्या क्या कांड किए इन्होंने? यही तो मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा था। तिजोरी खुल रही है, बेटी किसी और को बिगाड़ रही है। पर नहीं, तब तो खुद नेता बनेंगे। अब क्या हुआ मालिक, सांप सुन गया? आप एक चुप, मैं बताता हूँ। ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ज़्यादा। सगाई आज ही होगी, हैं? सब एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं है। एक छोटा सा चेंज है बस, पार्टनर चेंज कर लेते हैं, हैं? प्रियंका आप इधर आ जाओ, दीदी आप इधर चले जाओ, ठीक है? बस सिंपल है ना, हैप्पी फैमिली, ठीक है? बस आशीर्वाद दे दो आप, है ना? आशीर्वाद इनका बात नहीं, आप बस आशीर्वाद दे दो अंकल। चौधरी के साथ इतना बड़ा खेल, कैसा खेल अंकल? प्यार करते हैं एक दूसरे से। हेलो फंके, दूर रहो मेरी बेटी से। एक बात बताओ, जो लड़का लड़की राजी तो क्यों कान मरा रहा है काजी? अरे दिक्कत क्या कहें, जो ये तो बताओ। एक गुड्डे से रिश्ता जुड़ने पे अपने ही घर पे रेंट पे रहता हूँ, दूसरा नहीं चाहिए। इतनी सी बात? अभी लो वेंचो। हाँ भाई, गंजे बदमाश। सुना है ससुर जी की कोठी पे कब्जा वब्जा कर रखा है वेंचो। कल तक कोठी खाली हो जानी चाहिए, नहीं तो इसको बोलना बंदूक उठाएगा। क्यों, तुझे क्यों मिर्ची लगी? दवा जी, मैं तो कहता हूँ दबा दो। अंकल जी, अंकल देखा आपने, आपके साथ से ये लोग मान भी गए, आप प्लीज आप भी मान। बिल्कुल नहीं, चौधरी की बेटी की शादी एक क्रिमिनल के साथ। जब हथियार नीचे, आधा घंटा लेट हैं आप। शुक्र करो आगे हाईवे पर पंचर हो गया था, नपुती रिक्शा करके आए हैं हम तो। चल भाई चौधरी, बहुत साल हो गए टॉम एंड जेरी खेलते, आज FIR भी है और फिरौती देने वाला गवाह भी। सर शाना सैंडी भी यही मिल गया, अब तो डबल प्रमोशन पक्का। पकड़ लेना थोड़ी है मन्ना, एक कैड कर। पापा क्या कर रहे हो यार, शादी होनी है मेरी इसकी बेटी से। इस गुंडे खानदान में मैं तेरी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं मम्मी को आपकी और सूजी की वो केबिन वाली बातें बता दूंगा। मेरे बेटे जहाँ मर्जी कर,
पहले अपने इस गंजे ससुर को तो कन्विंस कर ले। एक मिनट सर, जस्ट पर्सनल चैट। अंकल पापा से बात कर लिए, एफआईआर वापस ले लेंगे, घर की बात करनी है। गुस्सा मत करो, देखो अब दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो आप मुझे वरमाला पहनते हुए देख लो, नहीं तो मैं आपको हथकड़ी पहनते हुए। तो जबरदस्ती नहीं है कोई, टाइम ले लो, दो चार मिनट सोच लो, यहीं खड़ा हूँ मैं। जल्दी सोच लो चौधरी साहब, टाइम कम है। फिर क्या था, चौधरी ने सिचुएशन समझी और बेटी के प्यार के आगे फाइनली अपनी जिद छोड़ दी। और फिर इस चैनल पे वो हुआ जो यूजुअली यहां नहीं होता, हैप्पी एंडिंग। पर अभी एक शादी होनी बाकी थी। हाँ स्वीटी, मैं जेल से फरार हो गया हूँ, बहनचोद ससुर जी को बोल बैंड बाजा बुक करा ले। अरे मिलके बताऊंगा ना, पार्क में थोड़ी खड़ा हूँ मैं इंचो। अच्छा चल भाई। Hey guys, what is up? I hope आपको वीडियो देख के मजा आया होगा। आया है तो बताइए, आपको एक ही गाना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा वीडियो में। और ये 3.5 मिलियन अच्छे लग रहे हैं क्या देख के? 4 मिलियन करवाओ यार, थोड़ा राउंड ऑफ में फिगर में मतलब रहेगा, अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, पाप लगेगा नहीं तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके बिनोमो ऐप डाउनलोड करो, ट्रेडिंग करो, डेमो अकाउंट में आपको $1,000 मिल जाएंगे जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करोगे। प्रोमो कोड में स्वैगर डाल दोगे तो पहला डिपॉजिट आपका डबल हो जाएगा, अभी जाके डाउनलोड करो। और मुझे और मेरी पूरी टीम को आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सैंडी भाई, आकांक्षा, सबके लिंक, तो फॉलो करो। कुछ कुछ तो करके जाना भाई।